तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर भी है, एक्सपोनेंट का ही क्वेश्चन है, 6 इंटू 8 टू द पावर एन प्लस 1 प्लस 16 इंटू 2 टू द पावर 3 एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 टू द पावर 3 एन प्लस 1 माइनस 7 इंटू 8 टू द पावर एन। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके देना है, बहुत ही ईजी है। देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 को एज इट इज रहने दे सकते हैं हम लोग, 8 को हम लिख सकते हैं क्या चीज, 2 पर पावर क्यू, उसके पावर में क्या देख सकते हो आप, तो n प्लस 1 है, प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पर पावर 4, ठीक है, इंटू 2 पर पावर 3n माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 टू द पावर 3n प्लस 1 माइनस 7 इंटू 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 पर पावर 3 और उसके पावर है n। अब बारी बारी से देखिएगा, 6 को लिख सकते हैं मन करेगा तो 2 इंटू 3 इंटू पावर, पावर मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3n प्लस 3 प्लस, जबकि यहाँ से हो जाएगा 2 टू द पावर, बेस इक्वल है, पावर ऐड होता है मल्टीप्लाई में, 2 टू द पावर 4 प्लस 3n माइनस का 2 बाय, ठीक है, 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 टू द पावर 3n प्लस 1 और माइनस 7 इंटू 2 टू द पावर 3n, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टू द पावर कुछ नहीं मतलब 1 प्लस 3n प्लस 3 प्लस 2 टू द पावर 4 में से 2 गया तो 2 प्लस 3n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई, इस टर्म को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, 2 टू द पावर 3n प्लस 1 और इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है तो प्लस फिर 1 और माइनस 7 इंटू 2 टू द पावर 3n, ठीक है। अब जो हमें रिजल्ट मिलेगा वह रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 3n प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 3n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3n प्लस 111 गया 2 माइनस 7 इंटू 2 टू द पावर 3n। हमने यहाँ से देखा इस पक्ष के पास 2 टू द पावर 3n है, यहाँ भी 2 टू, यहाँ पर भी 3n के फॉर्म में, यहाँ भी 3n फॉर्म, यहाँ भी 3n फॉर्म, यानी हम लोग को हर हाल में 3n कॉमन लेना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं और चीज को ऐसे लिखते हैं, 3 इंटू 2 टू द पावर, इस टर्म को लिखेंगे हम लोग 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3n लिख सकते हैं, क्योंकि बेस इक्वल है, पावर ऐड होता है, ऐड के साथ है, प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3n के फॉर्म में लिख सकते हैं बाय नीचे भी 5 इंटू 2 टू द पावर 3n इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 टू द पावर 3n। अब आप देख सकते हो ऊपर और दोनों नीचे दोनों में 2 टू द पावर 3n दिख रहा है, कॉमन कॉमन ले लिए, यहाँ पर हमारे पास बच जाता है 3 इंटू 4 टू द पावर 8, सॉरी 4 टू द पावर 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4 यानी कि आ जाएगा 16 प्लस, यहाँ से आप देख पाओगे आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 बाय, यहाँ से भी हम लोग 2 टू द पावर 3n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बच जाता है मेरे पास 5 इंटू 2 टू द पावर 2 यानी कि बच जाता है 4 और माइनस यहाँ से बच जाता है 7। अब ये टर्म से ये टर्म देख सकते हैं कैंसिल हो जाता है, 16 तिहाई 48 आ जाता है और प्लस यहाँ से आ जाता है 4 और बट्टा में 5 चौका 20 और माइनस में आ जाता है 7। तो हमने यहाँ से देखा 48 और 452 और 20 में से अगर 7 चला जाए तो बच जाता है 13 और 13 के टेबल में 4 टाइम्स कैंसिल हो करके
52, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाता है और रिजल्ट हमें 4 मिल जाता है। इस प्रकार यह क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व।